Good Choice Studio and Islamic Network. दिल कर पड़ा मैं जैसा भी मैं रुक गया उनके पास, मुझे फरमाने लगे कि चंगा होया तू आ गया, और कहा कि नहीं फिर रो पड़े। हालांकि मुझे तो नहीं पता था इस बात पर रो गई, लेकिन उस रोने में इतनी सच्चाई थी कि ना खबर होने के बावजूद शाह साहब को देख के वो मेरी आंखों में थोड़ी नमी उतर आई। तो जब कुछ कैफियत उनकी संभली तो मैंने इसकी मैं हुजूर क्यों रो रही। फरमान लगे यार आज एक बंदा आया और आटा लेके तो मुझे कहता है शाह जी आटा दम कर दो। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे कहता है शाह जी मझ नहीं मिला डीर थे आटा दम कर दे। फरमान लगे यार असी मजा मना लेंगे। रब और रब का रसूल मिलाया करते थे, आज लोगों ने समझिया कि मज्जा मलाया। क्या बुरा वक्त आया, बड़ा ही रोया। इतना मुझे फरमाने लगे सिर्फ अब्बा जी ने नम पाया तो मैं सब कुछ छट के टूट गया। सारा दिन गुजर जाता, कोई कभी बाबा भी कोई नहीं आया। शाह जी उम्र लंघ गई, पांच नमाजा पढ़ते हैं, दसों हजे छेवीं शुरू करनी हुई तो किवें शुरू हो। सारा दिन पे अडीक ना मैं कि कोई अल्लाह वास्ते आए, कोई अल्लाह दी गल पुछण आए। सारा दिन यही है, मज दुध कटा गई है, मज मिलन नहीं डई, दम कर दो मज ऐत की कट्टी दे। सारा दिन कहंदे ने इन्हें कम मज वो जो बेचते थे दवाई दर्द दे। कभी जिनके पास लोग जाया करते थे हुजूर को निगाह मारो कि दसो कि दुनिया की मोहब्बत कट्टे निकली दे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दीवा बने। लोग उन्होंने सिर्फ दुनिया ले जाते। अल्लाह कुरान में अल्लाह कह रहे हैं फसलू अहले जिक्र, पूछो अहले जिक्र से। भाई उन अहले जिक्र से ये तो नहीं पूछा जाएगा कि अरे जी अहले जिक्र से जिक्र के मुतल्लिक ही पूछा जाए, वो इल्मी बात ही पूछी जाएगी। फसलू अहले जिक्र, पूछो अहले जिक्र से। हुजूर अल्लाह का नाम यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? मौला यसल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिमी यहाँ से यहाँ कैसे आएगी? लेकिन मेरे हजरत साहब इशारतन एक बात फरमाया करते थे, तब समझ नहीं आती थी, समझ अभी भी कोई नहीं है। फरमाया करते थे असी बादाम ते अखरोट ते चलगोजे ते पिस्ते लैके बैठे, ये साढ़े को आके तो मलोक मंगते हैं, ये साढ़े को आके तो मलोक मंगते हैं। और कभी जब 2013 में दादा शेख का इंतकाल हुआ तो जो वक्ते विसाल आया करीब तो मैंने कई बार आपकी आंखों से आंसू गिरते देखे। और फरमाया करते थे 100 साल वो चले सानू दुकान खोलिया, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे सा कभी को मंगण ही नहीं हो। चलिए कि पासे पै गए इतना सस्ता तो नहीं है कि बंदा किसी औरत को दे दे। और कैमरा लगा मैं अपनी बेटियों से भी, इतना सस्ता तो नहीं है कि बंदा किसी बंदे के नाम लगा दे। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, ये उन्हीं की बारगाह में पेश करो। और बड़े बंदे मेरी तरह इस वहम में मुब्तला हैं कि नहीं जी हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दे दिया। अगर तूने दे दिया तो तेरा चेहरा तो गवाही नहीं दे रहा, अगर तूने दे दिया तो तेरा सर तो गवाही नहीं दे रहा, तेरा चेहरा तो कह रहा नहीं अभी ये किसी और के पास है। क्योंकि जिस दिन तूने अपना दिल मदीना पाक जमा करा दिया ना, फिर तेरे मुंह पे पूरी मुट्ठी दाढ़ी होगी, अभी ये कहीं और जमा है। अभी ये मदीना पाक, जिस दिन मदीना पाक पूरी पुत्र, यहाँ सर पे टोपी होगी और यहाँ सर पे पगड़ी होगी, अमामा शरीफ भाई है ना, निशानी है ना भाई। सर्दी आई है तो ऑटोमेटिक स्वीटर हो, हर चीज की निशानी है। ऐसे गर्मी आएगी तो कॉटन आ जाएगी। तो भाई ये कैसे है कि तेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है और तेरे जाहिर में उसका असर ही नहीं नजर आ रहा? ये
दिल पत्र भी, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से फरमाते हैं जिस दिल में उनकी याद नहीं हम उस दिल को तो दिल ही नहीं मानते हैं। दिल वही है जो उनकी याद, दिल है वो दिल जो तेरी याद से। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कुर्बान जाऊं जी इन पाक लोगों पर, ये रोशन सितारे हैं, ये हमारे इसलाफ हैं, हमारे बड़े हैं, हमारी तारीख हैं और सोनी तारीख है। लेकिन याद रखना स्पेशल जो नौजवान बच्चे हैं, हदीस पाक का मफहूम मिलता है, एक वक्त आएगा लोग अपने इसलाफ को बुरा कहेंगे, उलमा बैठे हुए हैं हदीस का। मैं हजरत अक्सर सोचा करता था यार ये वेला किस तरह आएगा, वो कोई हजरत बायजीद को भी बुरा कहेगा, वो शख्सियत जिनका दुनिया से ताल्लुक ही कोई नहीं, दिन अल्लाह की याद में रात अल्लाह की याद, कोई हजरत जुनैद को भी बुरा कहे, जिन लोगों का दुनिया से ताल्लुक ही कोई नहीं, जिनकी पहचान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, जिनकी वजह शोहरत दुनिया का तर्क करना था, जोहद था, तवक्कुल था, कनात थी, कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, ऐसे लोगों को भी कोई बुरा कहे। तो फिर हजरत जी छोटे मिर्जे ने जेल में बैठ के बता दिया कि ऐसे बुरा कहा जाएगा, उस मनहूस ने बता दिया कि ऐसे ये होगा, और देखो उसकी जुबान से क्या क्या नहीं निकला और क्या क्या निकल नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं कहां कहां होता है, कुगी कुगी होती है ओ जेलम का कां है, तो कां जो बोलता है ना तू कान ही खाता है हजरत जी, वो कां है कां दे मुंह चू भी निकलिया। ते जरा हजरत जी शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी सुन लो की कह रहे हैं। इकबाल कहते हैं शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमू, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की, फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल वे नकावद है। एक कां है एक गुग्गी है, ਕੁੱਗੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਦਿਲ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਕੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵਕਤ ਵਿਸਾਲ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂ ਜੀ ਇਨ ਪਾਕ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਵੀ, ਇਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਇਨਕਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਲਾ ਉਲਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਫਜ਼ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ अजकल जिद लिए जो दिल करे बोल चढ़ो। मैं भी अपने घर में हूँ ना तो वो ऐलान अक्सर सुनाई देता है, वही फलाने बंदे का विसाल हो गया, और भाई विसाल तो किसी किसी का होंगे, सारे का ही विसाल कराई आते हैं, विसाल तो किसी किसी का होता है, नहीं तो मर रहे हैं, बल्कि मरना क्या है, अभी मरे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो फरमा रहे हैं जिंदा वो है जो जिक्र वाला है, जो गाफिल है वो किधर जिंदा है, तो मरा हुआ है, मरे हुए की माने विशाल तो इनका होता है, साडा कादा विशाल। हम तो लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, हाँ अगर कोई इस नजरिए से लंबी उम्र की दुआ करे कि इबादत ज्यादा करूंगा, नफल ज्यादा पढ़ूंगा, जिक्र ज्यादा करूंगा, कुरान ज्यादा करूंगा तो ठीक है, लेकिन हम तो लंबी उम्र भी इसलिए मांगते हैं ना कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए गुनाह ही करने, और हमारा कौन सा लंबी उम्र के लिहाज से कुछ अच्छा इरादा रखते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं ये वो लोग थे ये दुआएं किया करते थे, केड़े वेले वो वेला आएगा, लम्हा लम्हा शुमार करते, लम्हा लम्हा शुमार करते आपका इंतजार करते हैं, केड़े वेले वो सोनी घड़ी आए। तो विशाल तो पुत्र इनका है, साडा कदम विशाल है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, जीते मरना है इधर, पता नहीं कैसा वो मामला होगा। तो लिखा है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह वक्त विशाल था, मुरीदीन खास आम लाए जी, सारे मुरीद भी कुछ नहीं होते, सबकी समझ फहम फरासत एक जैसी नहीं होती, होते सारे मुरीद हैं, तो वहाँ को मेरे वर्गा भी खलोता सी जड़ा जरा पेचा ना कर थोड़ा ही सी उन्हें तो किया। तो खैर उसने हदीस पाक किया, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जानकुनी के आलम में है, नजा है उस वक्त, तो उसे कलीमा तलकीन। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि आवाज़ें बुलंद पड़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले,
उसने ना वो हजरत जुनैद बगदादी को भी कलिमा तलकीन कर दिया। आप कुछ करते शेख कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने आंखें खोली और जवाब कितना सुना दिया। फरमाया ओए संगिया, याद भी उन्होंने ही कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है। कितना याद, कितना याद किया। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही।